नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल मैथमेटिका 23 पर। आज हम कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज यानी प्रतिशत पर आधारित देखेंगे। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है 150 का 20%। 150 का, जहाँ का शब्द इस्तेमाल हुआ है वहाँ हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, यानी का को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन से, और 20 प्रतिशत को हम रिप्लेस करेंगे अपॉन में 100 से। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 30। इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो हमारा दूसरा प्रश्न है 400 का 15% का 50%। तो हम समझ चुके हैं 400 का के इस्तेमाल करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन का, 15% फिर है 50%। अब हम देखते हैं दो गुना 15, हमारा उत्तर आ जाएगा 30। इसी तरह से हम तीसरे प्रश्न की अगर बात करें तो 60 का कितने प्रतिशत 12 होगा। मान लेते हैं कि x प्रतिशत 12 होगा, 60 का x प्रतिशत 12 होगा। तो हम जानते हैं 60 गुना x अपॉन में 100 बराबर 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 12 गुना 100 अपॉन में 60, 20। हमारा आंसर आ जाएगा 20। इसी तरह से हम चौथे प्रश्न पर पहुंचते हैं, 50% का 20% निकाल लें। हम जान चुके हैं 50% के स्थान पर हम रखेंगे अपॉन में 100, का के स्थान पर लिखेंगे गुना का निशान, और 20% को इस तरह से हम लिखेंगे। हमारा उत्तर आ जाएगा 1/10। धन्यवाद।